ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लोधी साहब, इसे अब फिर क्या करेंगे, सील करेंगे आप? जी आप देखा था आपने, इसका बहुत ज्यादा काला धुआं था, तो इसको हम सील ही करेंगे। मेरी तो मैं तो कहता हूँ कि आप छोड़े ही ना किसी को, आप लाजमी तौर पर ये मालकान, मुझे लगता है आपको आंखों को दिखाते हैं सारे। नहीं, नहीं, पूरे महकमे को दिखाते हैं। मैं कल लड़ लेता हूँ इनके साथ अकेला। वो आप तो अपनी ईमानदारी की बुनियाद पर लड़ते हैं। ये ऐसे कि चूंकि इनको 27 को हमने डेड डेट दी हुई है, तो उसमें सारों को बंद करना है, तो दो तीन दिन थे तो इन्होंने अपील की, तो अपील की इनको खोलें तब जब ये ज़िगज़ैग पे चले जाएं। इंशाल्लाह यही हमारा ये प्लान है कि इसको, इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट स्मोक सीजन आने तक इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमले शामले हाल। आप हुकूमत है, आप बड़े सियाने हैं, उनको FBR से दिखाएं, उनको भाईजान आप भट्टा मालिक हैं, ये नाम है आपका, इतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप कहते हैं मेरे पास ज़िगज़ैग के पैसे नहीं है, ये करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में पड़ा है, दिखा दिखा के उनको बुलाएं, मीटिंग करें और ज़िगज़ैग पे चले जाएं। अगर ये भट्टे वालों की दास्तानें गुर्बत की सुनेंगे तो इनको रोना आ जाना है, इनको रोना आ जाना है। एक जो जुल्म आज मैं देखें, हमने वॉलंटियरली भट्टे बंद करने का ऐलान किया स्मोक पीरियड में, लेकिन अगर आप उसको 70 दिन बंद करेंगे ना, तो ये एक महीने बाद गवर्नमेंट हमें घरों से ढूंढ के लाएगी कि वो भट्टे वाले कहाँ हैं, आगे भट्टे चलाएं, क्योंकि इसके मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। वो काम हमने करना है, म्याना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी, उतने अरसे के लिए बंद करें जिसमें सिर्फ स्मोक हो, जिसमें स्मोक का खतरा ज्यादा हो, भट्टे बंद कर दें ताकि हम इन्वायरमेंट को पलूट ना करें। ये आपको कन्फर्म हो गया कि आप माफिया के दर्जे पे पहुंच चुके हैं और आप हुकूमत की गोटियां लगवा देंगे, मुझे जो समझ आई। आपने थ्रेट कर दिया हुकूमत को, धमकी दे दी है कि ऐसी की तैसी। बुज़दार साहब, आपके नाम पैगाम भट्टा मालकान का, सुन ले पैगाम, क्या पैगाम? वो लोग हैं जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की का बुनियादी जुज है, पैसा अपना लगा दें। आज तक किसी अदारे ने, किसी गवर्नमेंट ने इनकी मदद नहीं की। आप कौन सा फ्री फ्री इंडिया तो नहीं देते ना? नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पैसे लेते हैं उसके कॉस्ट करते हैं, जो इंटे बढ़ती भी हैं, सारा कुछ है। में बिजनेस करता है ना जी, सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस चाहता है, सिर्फ हमारा ही एक ऐसा बिजनेस है। अदर नजर दुराए, इसकी कुछ चारदीवारी है, जो मर्जी आके हमें जब मर्जी विजिट कर लेता है कोई, अगर किसी फैक्ट्री को विजिट करने चले जाए ना, लोधी साहब भी चले जाए, तो इनको पहले पहचानने के लिए, तो वो इनका देखें, गार्ड ही नहीं इनको घुसने देता। मुझे ये बताएं, इस भट्टे के मालिक से पूछें कि किसने चार दीवारी से मना किया उन्हें? नहीं नहीं, हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया। आपने चार दीवारी से मना किया? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप चेक चेक का मसला, ये सिस्टम उस कारोबार को पब्लिक किया हुआ है कि जिसका दिल करे आए, फंस गए हैं तो आप रेस्क्यू करवाने आए हैं। आप बड़े तेज हैं सारे। आए जी, ये सील करेंगे फिर जी? हां जी, सील करेंगे। किसको ऑर्डर देंगे, क्या करेंगे? इंस्पेक्टर साहब जाके सील करें। इंस्पेक्टर साहब आप हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। हसनैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये कितनी तारीख पुरानी है भट्टों की, और ये इतनी जदीद होने के बावजूद दुनिया भर में हम क्यों पुरानी पे हैं, कितनी पुरानी है ये? बरसगीर के अंदर हमारे 1876 के अंदर ये जो ओल्ड बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी ये जो आई थी, उसको उसी वक्त से ये वैसी चल रही है, जबकि दूसरे जो हमारे हमसाया ममालिक वहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हो चुकी है दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो जिसकी वजह क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी। अब ये सील का मतलब ये होगा कि ये दोबारा इनको ज़िगज़ैग पे जाना पड़ेगा? ज़िगज़ैग पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं खोलेंगे? अदरवाइज नहीं खोलेंगे। ये हतमी है, जिसको आप सील करेंगे आप वो ज़िगज़ैग पे जाएगा। तो भाईजान सारे बट्टे क्यों नहीं आप सील करते, क्या मसला है? अभी इकोनॉमी का भी इशू है ना, तो थोड़े से हमें इंटो की जरूरत है मार्केट में, तो ग्रेजुअली हम बिल्डअप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, यकदम नहीं हो सकता। आप जब खुद मसले तंदेशी का शिकार है तो मालकान तो आपके हाथ नहीं आएंगे। वो ऐसे है कि 27 को बंद हो जाने हैं सर, वो तो स्मोक पीरियड के लिए, वो तो इस वजह से कि इन्होंने गारंटी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। हाँ जी, और ये खुलेंगे फिर ना जब 27 का क्रेडिट आपको नहीं जा रहा? नहीं, वो तो मोहतरम सुप्रीम कोर्ट को जा रहा है, बेशक मौजूद बेंच को जा रहा है, जिस को दुआ था सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हो रही है। जी जी, वजह नहीं, आप पूरा पूरी यहाँ पर एक वजह जरूरी है, जो हमारी कंसेंट जो हमने दी है, अपनी विलिंग शो की है, वो स्मोक पीरियड में हम भट्टे बंद करेंगे, मुल्क का भट्टा हम बटाने नहीं जा रहे, अपने भट्टे बंद करेंगे। अगर हम अपने भट्टे मुस्तकिल बंद कर लें ज़िगज़ैग होने तक, तो उसमें सालों साल लगेंगे, तो हमने ऐसा काम नहीं करना कि मुल्क भी बैठ जाए और हुकूमत भी रुक जाए, नहीं करना। चूंकि जनरल सेक्रेटरी है, मुझे ये बताइए, आप देखें कि वो जो बंदा रोजाना घर से दिहाड़ी मजदूरी करने आता है ना, अड्डों में चौकों में खड़े होते हैं, अगर ईंट यहाँ से नहीं जाएगी तो वो बेरोजगार हो जाएगा, और हुकूमत के पास इतना पैसा, इतना सरमाया, हमारी हुकूमत वो फलाई रियासत का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह नहीं आई कि बेरोजगारी फैलेगी तो बेरोजगारी अलाउंस दे देंगे, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, काम वो करना है, मुल्क भी बच जाए और बेहतरी भी आ जाए। देख लें, आपको अपना भट्टा बचाने की और चिमनियों से वही जहरीला धुआं निकालने के लिए आपके पास कितनी खूबसूरत वजाहतें हैं, और कितना डराते हैं आप लोगों को, और आपकी मीटिंग सुन के तो आपकी लाशें, बुज़दार साहब से मीटिंग हुई है?
जी साहब से, हमें 15 तारीख को हमें भी बिठाया गया था जिनकी जो बुज़दार साहब की मीटिंग थी, और हमें वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आपने हुकूमत को तो बड़ा डराया होगा। नहीं, हमने हुकूमत का साथ देने का और अदालत के हुक्म को मानने का ऐलान किया है और उस पर हम अभी भी कायम हैं। लेकिन एक वजाहत हम बार बार करते हैं कि इतने अरसे के लिए बंद मत कीजिएगा कि हुकूमत का भट्टा बैठे, भट्टा हमारा उतना बैठाएं जिसका हुकूमत बर्दाश्त कर। ये बिल्कुल अपोजिशन लीडर वाली जुबान है। नहीं, ये समझ रहे हैं बुज़दार साहब। अच्छा, ये इसको कैसे करेंगे जी सील? अब ये जी सील से कर दिया गया है क्योंकि वजह आप जानते हैं, और ये अभी जो ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि ये तब हम इसे ओपन करेंगे जब ये जिगजैग पे चले जाएगी। तो यहाँ से क्यों इसको सील करना क्यों जरूरी है? अंदर कोई फंक्शन इसके होता है या कमरा वैसे सील कर देते हैं? अलग किस्म की सील होती है इसको, हम जो अवेलेबल ये कमरा हमें अवेलेबल है ताकि काम वर्किंग ना हो सके। वर्किंग और इसको सील को अगर कोई तोड़ेगा तो? और तोड़ेगा तो सेक्शन 188 जो पीपीसी है। पर्चे अब तक दिए हैं लोधी साहब? कितने पर्चे आप देते हैं? आपके साथ कई दफा हमने फैक्ट्रियां भी सील की हैं, भट्टा सील करने का एक्सपीरियंस भी है। तो कितनी आपने कोई वायलेशंस कितनी देखी हैं? लाहौर में तकरीबन हम 100 से अबव ही FIRs लॉन्च की हुई हैं। अच्छा जी, 100 से ज्यादा? हाँ जी। तो लोगों को प्रोसिक्यूट भी किया फिर? जी, वो सारे प्रोसिक्यूट भी अदालतों में भी हैं, केसेस भी हैं उनके साथ। कानून का जो एहतराम नहीं करेगा आप फिर उसे प्रोसिक्यूट करेंगे? जी जी, ये सूरत हाल है जी। और आप देख सकते हैं इसको सील कर दिया गया, ये भट्टा सील कर दिया गया। मदनी साहब मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी खतरनाक बातें हैं सारी, इसमें हुकूमत के पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। अब कोई पॉलिसी भी नहीं है और सब्सिडी भी नहीं है, तो भट्टा मालकान को तो ये फिर नहीं कुछ कह सकेंगे, कानून के दायरे में भी नहीं ला सकेंगे। उनका जब दिल चाहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे सरमाया अब आया जी, जिगजैग पे जाते हैं। तो ये तो सालों का प्रोजेक्ट है, और ये ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में जो है ये जिगजैग पे चले जाएं। जो मुझे समझ आई है सारी बातें सुन के, मुझे ये समझ आई है कि ये तो साल हा साल लेंगे, और इनको अगर थोड़ा सा भी टफ टाइम दिया गया तो ये तो दमादम मस्तकल अंदर की तरफ जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए इस भट्टे को, इस जो रवायती भट्टा है इसको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए जो टाइम लगता है वो भी तो हमें काउंट करना है ना। तो जिगजैग टेक्नोलॉजी ऐसी तो नहीं है कि जो बाजार से कितना टाइम लगता है जी जिगजैग पे जाने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए कितना टाइम लगता है? कन्वर्जन करने के लिए सिर्फ लेबर की मद में मैंने 4.5 लाख रुपए में अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया सिर्फ लेबर का, और वो 40 दिन के अंदर मुकम्मल करेंगे एक भट्टे की कन्वर्शन, और उसको लेबर पूरी नहीं कर पा रहा वो कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि 35 लाख कुल लगेगा। हाँ जी, मगर यह कि उसकी सिर्फ लेबर की माल में है जो उसके सिविल वर्क का जो है 40 दिन 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसने 4 लाख में मुकम्मल कर। आप ये करेंगे कि अगले साल जब स्मोक की मद में भट्टे बंद होंगे बाकी सारे लोगों के, तो वो उन 40 दिनों में उनको कन्वर्जन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शायद लेके जा सके। ये एक तरह का मैं समझता हूँ, अगर इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, इसकी भट्टों की बंदिश का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि भट्टे अगर हम कुछ मखसूस वक्त के लिए बंद करते हैं तो लोगों के भट्टा मालकान के अंदर ये एहसास जन्म ले रहा है कि हमने भी अपने भट्टे जिगजैग पे करने ताकि हम भी चलते रहें। इसका हुकूमत का एक ये भी है, ये मैं कोई हुकूमत की कोई खुशामद या तर्जमानी नहीं कर रहा, आप धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को। एक बात इसके अंदर जो खूबसूरत है वो यही है इसके के भट्टे लोगों को जब पता चलेंगे कि हर साल स्मोक के पीरियड में हमने बंद कर देने, नहीं चलने देने, कोई ऐसी कदगन लगेगी तो लोग भट्टा मालकान जो हैं उनको एक वो भी सेंसिटाइज भी हो रहे हैं इस बात पे, और वो समझ पा रहे हैं कि हमने भट्टों को उनकी जो अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि हमने भट्टों को अपने चेंज करना है। आप जब मालकान के साथ पूरी मीटिंग्स करते हैं और पूरा इनको पढ़ा आपने, सोचा समझा इनको सारा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया, तो आप जाती तौर पर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? अभी ये भट्टा तो आप तब खोलेंगे जब जिगजैग का मामला होगा, क्या फिर करेंगे इसका, पॉलिसी क्या है बेसिकली? सब ऐसे है कि हमने पिछले साल जितनी भी हमारी एयर पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज थी उनको हमने सील कर दिया था जब स्मोक का एपिसोड हुआ, तो हमने स्मोक ख़त्म होने के बाद इस एक्टिविटी को ख़त्म नहीं किया बल्कि कंटिन्यू रखा। तमाम इंडस्ट्रीज़ को हम ऑन बोर्ड लिया, उनको बारह हमने विज़िट किया और उनमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगवाते चले गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्री ने मोर देन 60% ने सिस्टम अपने लगा लिए हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, जिसकी वजह से एमिशन्स कंपैरेटिवली कम है, और यही एक्सपीरियंस जो है हम इस दफ़ा यूज़ करेंगे भट्टा वालों के खिलाफ। और इसमें ये है कि हम इनको खोल देंगे लेकिन उसमें इनसे भट्टा मालकिन से अंडरटेकिंग लेंगे कि ये इतने अरसे में लगा लेगा, और इनकी जो एसोसिएशन है भट्टा मालकिन ये उसकी गारंटी देंगी कि जी ये हमारा मेंबर है, ये हम इसको गारंटी देते हैं कि ये इतने अरसे में लगा लेगा, तो हम उसको वो ग्रेस पीरियड देंगे। और हमारी कमिटमेंट है कि हमने आइंदा स्मोक के पीरियड तक इन तमाम को हमने कन्वर्ट कर लेना है, हमारे पास एक्सपीरियंस स्टील इंडस्ट्री के हवाले से मौजूद है और उसको हम यूटिलाइज करेंगे इसमें। यानी आपने अपने तौर पर जो रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हमारी इकॉनमी भी चलती रहे, डेवलपमेंट भी होती रहे,
और एनवायरनमेंट पे भी जो है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, ताकि ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो आसपास के हैं, उनकी हेल्थ भी इफेक्ट ना करे और ये जो है वो डेवलपमेंट भी होती रहे मुल्क में, इनका काम भी चलता रहे, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बेसिकली जो है हम जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तरक्की तरीन मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, और हमें भी अल्टीमेटली इस पे ग्रीन टेक्नोलॉजी पे जाना ही जाना है कि जो टेक्नोलॉजीज से एमिशंस जो है कट डाउन हो या एमिशंस कम हो, वो हमें जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी सूट करें और हमारी इकानमी भी बेहतर रहे और हमारी डेवलपमेंट भी होती रहे। मकसद ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। साहब तो बेसिकली सबको डरा रहे हैं कि बार बार सबको सील नहीं किया जाएगा, जो लोग अपनी पोल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे उसको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, वो तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जिग-जैग के अलावा भी है कोई फॉर्मूला पोल्यूशन कंट्रोल का? हाँ, अगर कोई इसके अलावा भी कोई चीज़ कोई टेक्नोलॉजी अपना लेता है ऐसे कि वो इसकी पोल्यूशन कंट्रोल हो जाती है तो है जी कोई ऐसी चीज़? देखें, इसमें हमारा एक, मैं मोहतरम किले में लाना चाहता हूँ, हमारा एक आपस में इन्होंने पहले हमारा एक जिग-जैग भट्टा जो हमने पहला लाया उसको इन्होंने टेस्ट किया, उसकी जो अमिशन थी उसको चेक किया, तो फिर उन्होंने इसको कहा जी ये ठीक है। तो जो चीज़ टेस्टेड है और जिस पे सबका इत्तफाक है तो इसको हमने अपनाने की बात की, पहले उसका टेस्ट हुआ है फिर उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद हम उस पर चले गए। तो अभी तक इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म डिपार्टमेंट ने नहीं दिया कि आप जिग-जैग ना करें तो ये कर लें भी ठीक है, अभी डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं। डिपार्टमेंट वाले ये कह रहे हैं कि अगर कोई और टेक्नोलॉजी है जिससे अमिशन कम हो जाए, मतलब अगर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? वो तो कोई भी नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट ने देनी है ना। ये टेक्नोलॉजी भी डिपार्टमेंट ने नहीं दी, ये तो लोग हैं, इतने टेक्निकल लोग हम नहीं है कादर भाई कि हम लोग खुद से कह दें कि ये भी है। हाँ, अब रिसेंटली अब एक केलम में लाना चाहता हूँ, लोधी साहब खड़े हैं, हम खुद चाइना खुद अब जा रहे हैं, हमें इसी मोड ने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में चाइना इन्वाइट किया है, तो हम वहाँ पे टनल ब्रिक किलन वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बटे हैं, क्योंकि चाइना इस इंडस्ट्री में बहुत आगे है पूरी दुनिया से, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं टूर पे 9 नवंबर से, तो हम तो खुद पाकिस्तान में जिद्दत लाना चाहते हैं बतौर एसोसिएशन। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी कि वो चीज़ें पाकिस्तान में लेके आएँ जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर। ये काम जो है ये तो पॉलिसी मेकर्स के काम है, ये काम करने वाले हैं डिपार्टमेंट के, जहाँ पे टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं ये उनके काम करने वाले हैं। लेकिन अगर जो है ये जो 27 तारीख को तमाम भट्टे जो बंद करने का कहा गया है कि जो रवायती टेक्नोलॉजी पे हैं वो सारे भट्टे बंद कर दिए जाएंगे, चलें ये भी खुश आइंद है, इससे भी जो है वो स्मोक का जो ख़तरा है वो कम होगा, कम से कम होगा। लेकिन स्मोक सिर्फ भट्टों से नहीं होती, स्मोक में और भी बड़े फैक्टर हैं, उन तमाम फैक्टर्स के ऊपर एक जामिया पॉलिसी बनानी होगी। और स्मोक पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हुए हैं ये भट्टे हुए हैं, और मार्केट में ईंट का जो है वो बहरान आएगा, और ये तब तक रहेगा जब तक तमाम भट्टे 11,000 के 11,000 जो ईंटों के भट्टे हैं ये जिग-जैग टेक्नोलॉजी या कोई और जदीद टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट नहीं हो जाते, ताकि ये पूरा साल चलते रहें। मानसून के सिर्फ सीज़न में ये भट्टे बंद हो जाते हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है और ये इन्हें भट्टे जो हैं वो बंद करने पड़ते हैं, तो बाकी 10 महीने जो हैं ये भट्टे चलते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम से कम फ्यूल इस्तेमाल करें, कम से कम जो है वो पैदावारी लागत आए, कम से कम जो है माहौलियाती जो आलूदगी है वो कम से कम हो, माहौल दोस्तों और एक आम आदमी के लिए जेब दोस्त भी होना ज़रूरी है। और ये तमाम काम करने वाले हकूमत के हैं, ये मेरे काम करने वाले नहीं है, ये आवाम के काम करने वाले नहीं है। ये हकूमत जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाती है, उसका एक R&D सेक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो उस पर रिसर्च भी करती है, उसके डेवलपमेंट भी करती है। एक भी भट्टा जो है वो मतलब कि जो जिग-जैग टेक्नोलॉजी का एक भट्टा भी जो है वो महकमा माहौलियात की जानिब से मुतारफ़ नहीं करवाया गया। काफ़ी तनकीद का सामना है जी आपको, वो चाइना भी जाते हैं तो उसका क्रेडिट भी उनको जाता है, वो कहते हैं हम खुद जाके चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। महकमा किधर खड़ा है, महकमे की तरफ से क्या रिलीफ है इनके लिए, क्या पॉलिसी है, R&D सेक्शन की तरफ से क्या पॉलिसी है? बेसिकली हो सकता है आप लोगों की रिसर्च जो है वो बताए इन्हें और इन्हें गाइड करे कि आप जिग-जैग की बजाय कुछ और भी चीज़ें हैं मार्केट में मौजूद। जनरल सेक्रेटरी साहब जैसे कह रहे थे जो एसोसिएशन, इसको वॉलंटरली भी कुछ करना चाहिए ना, डिपार्टमेंट लाजमी नहीं कि डिपार्टमेंट अभी तक यही बता रहे हैं, बेसिकली वॉलंटरली भी उनको कुछ ना कोई। हाँ जी, बटे भी तो वॉलंटियरली बंद कर रहे हैं हम, अगर इसको समझे ना तो हमने आपका वो जोर नहीं लगाया ना हमने अपना जोर दिखाया है, हम वॉलंटियरली हमने क्यों पे उधर आते हैं फौरी, हम कायम है, चक्कर है हम सियासत करने का इरादा तो नहीं रखते, हमने कहा और उस पर कायम है, डेट आपने सेट की हम उस पर भी कायम है। ये कोई आपके टिकट की बात तो नहीं होगी बुज़दार साहब से?
उनके पास टिकट की अथॉरिटी उनके पास नहीं है, वो खान साहब के पास है। अच्छा, इनको सारा पता है, इसका मतलब इन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आप तो अपने तौर पे सारा कर रहे हैं, महकमा कहता है कि इनके तो फ्राइज हैं, ये अपने तौर पे करें, महकमे की तरफ से क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं? महकमे की तरफ से सबसे ज्यादा जरूरत R&D की है। R&D जब तक नहीं, सेमिनार्स करवाए, लोगों के डेलीगेशन आए, नहीं फिजिकली उसकी जो है R&D बनाने के बाद लोगों की गाइडेंस के लिए उनका प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाए। हमारे जो भट्टा किश्त है, अगर आप इसकी हम प्रमोशन की बात करें, इसमें बेहतरी की बात करें, तो ZigZag भी एक बेहतरी की तरफ कदम है, लेकिन सारी चीज़ें हम खुद से नहीं कर सकते। R&D की जैसे बात हमारे साथियों ने की, कोयले की टेस्टिंग की लेबॉरटरी भी ये दें और मिट्टी की टेस्टिंग की लेबॉरटरी भी दें, ये दें, हुकूमत भी कुछ जिम्मेदारी है, ये सारे हम खुद प्राइवेटली नहीं कर सकते। हुकूमत की जिम्मेदारी, वो देख रहे हैं बार बार वो सिंगल आउट कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। डिमांड ठीक है, हुकूमत के पास होना चाहिए, ये ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं मुख्तलिफ सेक्टर में, ये करना चाहें तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इशू ये है कि हमने अपना वो काम करना है जो हमारे लॉ में इन बिल्ट है, हमारा एक रेगुलेटरी रोल है, हमने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनको इन्फोर्समेंट करनी है। अब जैसे मदनी साहब बार बार कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए, टेक्नोलॉजी खुद देना चाहिए, वो हमारा सेक्टर ही नहीं है हमारे। अगर वो एग्री करता हूं। तो अगर हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ लिखी नहीं हुई तो हम कहाँ से लाएंगे? R&D हमारे अगर उसमें लॉ में मौजूद ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? उसके लिए लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। वो आप प्रेशर बिल्ड करें, गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेशन करे, उसमें इंप्रूवमेंट करे, लॉ बजट दे, R&D सेक्शन दे। हम तो ये 6 लाहौर जिले को चला रहे हैं, आपको पता है हमारे साथ जाते हैं, तो इसके हमें ना हमें सुबह आने का पता है ना जाने का पता है, रात को 2-3 बजे तक काम करते रहते हैं, तो हमारी तो अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी है, अंडर स्ट्रेंथ काम कर रहे हैं हम, अवेलेबल रिसोर्सेज में 3 times काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए, और इसमें कोई भी रुकावट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मदनी साहब बड़ी अहम बात है, वो कहते हैं कि हम तो 6 हैं, पूरा लाहौर चला रहे हैं, पूरा पंजाब चला रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि महकमे के पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना अमेंडमेंट पीछे मौजूद है, ना R&D सेक्शन है उसके मुतलक, ना बजट है, फिर क्या किया जाए? हुकूमत तो पॉलिसी के बगैर बैठी है। तो ये तो सबसे बड़ा अलमिया है कि जो महकमा माहौलियात है, स्मोक पॉलिसी बना दी गई है, हर चीज़ बना दी गई है, कानून बना दिया गया, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है। आप ये देखें कि वज़ीर माहौलियात ही नहीं है पंजाब में, वो भी तो बुज़दार साहब के पास खुद इसका कलमदान है। तो अगर संजीदगी हुकूमत की देखनी है तो ये है, पंजाब हुकूमत की संजीदगी ये है कि स्मोक के दिन है और वज़ीर माहौलियात नहीं है जो कि बकायदा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, कोई जो है वो तजावीज़ लें, इनके साथ बैठें, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब इंडस्ट्री को ये, मैं आपको लोधी साहब भी इसे एग्री करेंगे, पंजाब की पूरी इंडस्ट्री बंद कर दें लेकिन उसके बावजूद स्मोग होगी, क्योंकि ट्रांस बॉर्डर भी तो एक फैक्टर है, जो इंडिया में फसल जलाई जाती है वहाँ से भी तो धुआं यहाँ पे आता है। क्या लोधी साहब, अगर हम पूरी इंडस्ट्री पंजाब की बंद कर दें, तमाम बट्टे बंद कर दें, तमाम स्टील मिल्स बंद कर दें, क्या फिर भी स्मोग का फैक्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं मदनी साहब, क्योंकि ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट बहुत ज़्यादा, पिछले साल भी जो हमें 2 हुए हैं स्मोक के, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर हमारा ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट था, वो इंडिया की तरफ में इंडियन पंजाब में बेतहाशा फसलों को आग लगाई जाती है, और उनको देखे देखे हमारे किसानों ने भी शुरू कर दिया था। इस दफ़ा हमने उसको चेक रखा हुआ है, हमने ज़िला के लेवल पर, तहसील के लेवल पर कमेटियाँ बना दी हैं, तो मुतलका जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं अपनी अपनी तहसील के वो ज़िम्मेदार हैं, ज़रात के महकमे को मोबिलाइज़ किया गया है, रेस्क्यू 1122 हमारे साथ है। मोदी साहब ने ज़रात के महकमे का जिक्र किया है, एक मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ कि महकमा ज़रात ने एक कानून पास किया कि जी आपने जो धान का बची हुई फसल है उसको आग नहीं लगानी। अब उसकी कंपेन किसके सामने जो है वो चलाई जा रही है? किसानों के सामने नहीं चलाई जा रही, वो स्कूल के तलबा के सामने चलाई जा रही है कि जी धान को आग नहीं लगानी, फसल को आग नहीं लगानी। पॉलिसी ये है और पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन ये है कि ये नहीं है कि आप उस किसान को समझा रहे हैं कि यार आपने जो है वो अपनी फसल को आग नहीं लगानी, इससे माहौल जो है वो भी आलूदा होता है और इससे तुम्हारी ज़मीन जो है, जो ज़रई ज़मीन है, वो भी अफेक्ट होती है। ये सारे काम करने वाले जो हैं ये हुकूमत के हैं, जिम्मेदारान के काम करने वाले हैं। किसान तो अपनी जो वो जो एक सीना बसीना एक रवायत जो चलती आती है उसी पे अमल पैरा है, वो अपने फसल काटता है, जो बच जाती है अगली फसल के लिए उस बची हुई फसल को आग लगाता है, उस पर हल चलाता है, और गंदम की फसल अब लगेगी वो गंदम की फसल के लिए अपना खेत तैयार करना चाहता है। अब उस ये सारी जो आगाही मुहिम है ये स्कूल के तलबा में दी जा रही है, गांव के स्कूल के तलबा में दी जा रही है, और हमारे गांव की रवायात यही हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को नहीं समझाते, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, और उन बच्चों को कहा जा रहा है कि इन फसलों को आग ना लगाएं, दफ़ा 144 है, अगर आग लगी
तो पकड़े जाएंगे और कानून हरकत में आ जाएगा। ये अब यहाँ से आप लगाएं कि ये हुकूमत की संजीदगी है, ये पॉलिसी आपने सुनी मदनी साहब की सादत से। दूसरा मुझे आप ये बताइए कि आप समझते हैं कि अगले दिसंबर तक आप इस पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इंशाल्लाह, और एक साल आपको लगेगा? जी जी लगेगा। और इसके लिए जो इनकी तरफ से प्रपोजल्स हैं उनको आप कितना संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि आपका तो मामला ही लेजिस्लेशन और बजट का है, तो अपने पल्ले से तो आप नहीं दे सकेंगे, तो फिर आप तो अपनी SOPs देखेंगे और उसके मुताबिक देखेंगे कि धुआं कितना हवा में जा रहा है और उसके मुताबिक आप सील करते जाएंगे। स्पीड आप कितना कर सकते हैं इस प्रोसेस को? इसको मैंने जैसे पहले बताया था कि हमने एक एक्सपीरियंस कर लिया है, पहले तो हमारा कोई एक्टिविटी ऐसी होती ही नहीं थी, सीलिंग का हमें पता ही नहीं था, इसको ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करते थे। पिछले जो PLGO आया था उसमें थोड़ा सा हमें मिला था कि छोटे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट्स को हम किया करते थे, अब उसको हमने ज़रा लार्जर स्केल में ले आए हैं। और ये लास्ट एक्सपीरियंस इस साल का जो 2018 का ना, ये हम यूटिलाइज़ करेंगे 2019 में, और इस दफ़ा टारगेट हमारे ब्रिक्स किलन वाले होंगे। ठीक है, स्मोक जो है इसका इस सारी आलूदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन ट्रांस बॉर्डर से कितना ताल्लुक है? जारी बात है कि बेसिकली हमारा जो खासकर लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ज़्यादा करीब है इंडिया के, और इंडिया के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही धान की फसल काटी जाती है तो किसान की कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द वो नई फसल पे चला जाए, तो उसके लिए बजाय वो कोई दूसरी उसको काटने को रात को उसको आग लगा देते हैं, जैसे वो हवा का कोई रुख इस साइड पर होता है तो सारा वो इशू हमारी ये बन जाते, उसके अंदर फिर वो पार्टिकल्स भी हैं अनबर्न पार्टिकल जो स्मोक का इशू बनते हैं वो हवा के अंदर हेल्ड हो जाते हैं। इन महकमा माहौलियात तो अपने लेवल पे काम कर रहा है, अगर आप स्मोक के अंदर जाएं तो वहाँ पे ट्रैफिक के थ्रू जो सिटी के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी इम्पैक्ट करती है, लेकिन इन्वायरमेंट उसके ऊपर चलानिंग कर रहा है, ट्रैफिक चलानिंग हो रही है, महकमा ज़राअत भी अपने लेवल पे विलेज लेवल पे उसको आगाही प्रोग्राम दे रहा है, तो हर लेवल पे काम तो हो रहा है। तो वैसे वॉलंटरी तौर पर चाहिए था कि ये लोग भी खुद भी किसी की टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट। शॉर्ट ब्रेक ही लेना है जी हमने, शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।